फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स ने करीब बहुत दिन पहले, मतलब 11 मार्च को मुझे मैसेज भेजा था कि सर मुझे अपने मार्क्स कैलकुलेशन बताइए, पर मैं को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बना नहीं पा रहा था। तो अभी यहाँ पे वीडियो में फ्रेंड देखिए, आप भी अपने कैलकुलेशन कर सकते हो इस तरह से। इसमें इस बच्चे के जो टोटल मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 410, वो 300 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 410 सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट्स, हमारे जो दोनों एग्जामिनेशन है वो 410 के हैं और 280 मार्क्स इंटरनल्स है, क्योंकि टोटल हमारे 11 सब्जेक्ट्स हैं और सॉरी 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट में जिसमें ग्रुप 3 200 मार्क का रहता है, 100 मार्क्स आपका इंटरनल, 100 मार्क का एक्सटर्नल, तो इसलिए टोटल 1100 मार्क्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स 410, तो उसमें सेमेस्टर वन में से उसमें से 300 मार्क्स आ गए हैं, जो 79% इसके हो रहे हैं। अब इसे लेके आने 90%, तो सेमेस्टर टू में क्या क्या मार्क्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल चीज़ इसमें है कि 820 जो मार्क्स हैं, मतलब कि हम 280 मार्क्स को हटा देते हैं 1100 में से, 280 मार्क्स हटा देते हैं स्टूडेंट 1100 में से, तो हमारे जो मार्क्स बचते हैं वो 820 मार्क्स बचेंगे। अब 820 में से इसने स्कोर कर लिए -300, 820 में से इसने 820 का 90% पहले देख लेते हैं स्टूडेंट क्या आता है। 820 का 90% होता है स्टूडेंट्स 9 × 820, तो 9 × 82 कर लो, 9 × 82, 9 × 18 वन कैरी, 9 × 8 = 72 एंड 9 × 18 वन कैरी, 9 × 72 एंड 173, 738 में से -300 मार्क्स इसके आ चुके हैं। तो 837 -3 = 4, अभी 438 मार्क्स। अब सोचिए पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, मतलब क्यों, क्योंकि पेपर तो 410 का मार्क्स का है, मतलब कि जो 79% वाला स्टूडेंट्स के 90% प्लस स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने 280 पूरे मार्क्स स्टूडेंट्स ले लिए थे। तो मीन्स अगर काउंसिल ने रिड्यूस वेटेज, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट CBSE का जो कंटिन्यू चल रहा है कि मोटो की नहीं 30% टर्म वन को देंगे, 70% टर्म टू के देंगे, अगर ऐसा कुछ सीन हुआ स्टूडेंट, मैं इसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या परसेंटेज हमारी इंक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ पे इस समय अगर इस स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किए तो भी कम से कम ये नियर अबाउट 85-86% सॉरी आपका परसेंटेज बेटा 90% तो नहीं, पर हाँ अगर कोई कैलकुलेशन इंक्रीज नहीं किए, अगर सेमेस्टर टू रेड्यूस पोर्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ तो 90 पहुंच सकता है, नहीं तो अदरवाइज आपके परसेंटेज जो रहेंगे वो 85 से लेके 87% तक जाएंगे स्टूडेंट्स। 90% नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, और 30% CBSE ने बोला है कि वो टर्म वन लेगा, 70% टर्म टू लेगा, ऐसा कुछ अगर होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चांसेस रहेंगे। और अगर किसी को डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट भेजिए, मैं आपके परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करूँगा स्टूडेंट्स, और डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आपका सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।